Hello my dear friends, my name is Chris Samuel and you are watching my channel. तो आज जो है हम एक प्लांट को रिसाइकल करेंगे, यानी हम उसे एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगाएंगे। तो देखिए, ये मेरा जो है घर का बैक साइड का एरिया है और यहाँ जो है ये प्लांट उग गई है। तो अभी रेनी सीजन है तो ये सरवाइव कर जाएगा। देखिए, बिल्कुल दीवार में उग रहा है और काफ़ी बड़ी बुरी जगह है। और देखिए, रूट्स आप देख सकते हैं, दीवार में उगने के बावजूद रूट्स कितना नीचे जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसे बचाएं, यहाँ से निकालें, संरक्षित कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम इसे दीवार में से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसा कहा था कि अभी बारिश हो रही है, तो अभी जो है बहुत धीरे धीरे पानी गिर रहा है। और ये जो है बारिश का ही पानी मैंने टब में इकट्ठा करके रखा है, तो मैंने इसे जो है निकाल लिया है और पानी में इसे जो है डिप करके रख दिया। देखिए, इसका रूट पार्ट कितना अच्छा बाहर आया। देखिए, मैं बताऊँ, ये देखिए, ये आप देख सकते रूट पार्ट कितना वेल डेवलप्ड है, बिल्कुल डेवलप्ड। एंड और देखिए, से बस यहाँ जो है थोड़ी सी चोट आई है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कुल्हाड़ी लग गई है इसे निकालने के लिए, क्योंकि हम दीवार नहीं तोड़ सकते, ये हमारा टॉयलेट का दीवार था इसीलिए। और देखिए, प्लांट में जो जगह जगह से रूट्स आ रहा है, देखिए ये और भी है, ये देखिए और आ रहा है, ये रहा, देखिए बीच बीच में से और रूट्स आ रहा है। तो ये तो जो है मैं ऐसे प्लांट को डिफाइन तो नहीं कर पा रहा कौन सा प्लांट है, लेकिन काफ़ी जो है बड़ा प्लांट है। रुके दिखा, देखिए काफ़ी जो है ये बड़ा प्लांट है। ये देखिए, ये रहा, देखिए मैं एक और बार वो जगह दिखाता हूँ जहाँ ये उग रहा था। ये देखिए, ये हमारा घर यहाँ ख़त्म हो चुका है और ये जो है दूसरे प्लॉट की बाउंड्री है। ये वीडियो दूसरी साइड से लिया गया था पहले, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब जो है मैं इसे वाटर में पहले थोड़ी देर डिप करके, जिसकी रूट्स में जो है डर्ट जमा हुआ है, देख सकते हैं सीमेंट वगैरह जो यहाँ जमी हुई है, तो मैं इसे अच्छी तरीके से, मेरे पास एक नाइफ है फोल्डेड फ्रंट वाला, देखिए ये रहा, इसका जो है फ्रंट मैंने फोल्ड कर दिया था एक्चुअली, तो इससे जो है ये निकल जाएगा। धीरे धीरे जो है मैं इसे निकाल दूँगा। और अभी जो है मैं इसे पानी में गला के और ढीला कर रहा हूँ, और फिर जो है मैं इसे बोनसाई लुकिंग में एक पॉट में लगाऊंगा। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो है एक रूट है, ये जो टूट गया है इसमें से, देखिए इसमें से टूट गया है, लेकिन जो रूट है इसमें जो है यहाँ नीचे न्यू रूट सारी, रूट में से न्यू रूट सारी है, देख सकते हैं। ये जो ओल्ड रूट है, ये समर में जो इस टाइप का हो गया था, समर में जो काफ़ी बहुत वीक हो गया था प्लांट, तो मैं अभी रुका हुआ था। तो अभी जैसी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई तो मैंने इसे निकाल लिया, तो मैं इसे भी ग्रो करने की कोशिश करूँगा। तो ज़रूर मेरा ये वीडियो देखना। ये वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी रेनी सीज़न है और मेरे पास अभी जो है किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है पॉट वगैरह की, तो मैं व्यवस्था करके जो लगाना आपको सेकेंड पार्ट में बता दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फॉर माई न्यू प्लांट लाइक दिस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करना कभी ना भूले। और अगर आपके भी घर में कहीं पर इस टाइप के प्लांट्स उग रहे हैं तो उन्हें ज़रूर रेस्क्यू कीजिए और उन्हें नया जीवन प्रदान कीजिए, क्योंकि पौधों से ही हमें जीवन मिला है, तो हमें पौधों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। और इस तरीके के बोनसाई लुकिंग प्लांट्स, जैसे कि ये रूट डेवलपशन, ये बहुत कम मिलता है, बहुत रेयर है ये इस टाइप के आपको रूट मिलना। और ऐसी फ्लैट है ये बिल्कुल, तो मैं इसे एक बहुत अच्छा बोनसाई लुक दूंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।